हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। मेरे चैनल पहल जीके में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर का हम जनवरी माह के वन लीनियर करंट पढ़ रहे थे उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 41 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब मैं 42 क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर MBPSC टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप ज़रूर देखिएगा। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स, इंडिया के करंट अफेयर्स भी मैं अपने चैनल पर कवर करा रही हूँ। इसके अलावा सभी ऐसे टॉपिक जो हमको बुक्स में एक साथ नहीं मिल पाते, मध्य प्रदेश का GK, आप इस सब को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये जो करंट का मैं जो करा रही हूँ उसको राइट कीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ने में हेल्प मिले। चलिए फ्रेंड, देखते हैं। 42 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में बृहत लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो कब किया जाएगा, 9 मार्च 2019 में। न्यायमूर्ति कौन होंगे? शांतनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडियों का कार्यकाल कब समाप्त हो गया? तो 5 जनवरी को 2019 को समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानाजी देशमुख वेटरनरी विश्वविद्यालय के जबलपुर के कुलपति कौन है? तो डॉक्टर प्रयाग दत्त जुआ, जितने भी विश्वविद्यालय उनके कुलपति को याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं श्री IS पाणी। खुशबू खान कौन सा खेल खेलती हैं? ये हॉकी खेलती हैं, भोपाल की हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो खुशबू खान से रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको तीनों को इंगित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2017-18 के लिए राष्ट्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार मिला? तो राष्ट्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार मिला है नंदागिरी को। ये नंदागिरी कहाँ की हैं? नंदागिरी बैतूल ज़िले की हैं और इनको 50,000 रुपये मिले। कहाँ मिले? दिल्ली में, याद रखिएगा, नंदा गिरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोकसभा केंद्रों में आवेदन के लिए कितने रुपए का टिकट लगाना वर्जित किया? मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्रों में आवेदन के लिए कितने रुपए का टिकट लगाना वर्जित किया? तो ये वर्जित किया है 5 रुपये का टिकट लगाना वर्जित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबला महिला महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? सबला महिला महासभा का आयोजन किया गया 8 मार्च 2019 को किया गया। सबला महिला महासभा का आयोजन कब किया गया? 8 मार्च 2019 को। और 19 नवंबर आने वाला 19 नवंबर 2019 को प्रियदर्शिनी महिला सेवा का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का उत्थान और पतन विषय पर सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ? तो नेपोलियन का उत्थान और पतन विषय पर सेमिनार बड़वानी में आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ? शहीद भीमा नायक महाविश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं शिवनारायण यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 19वीं ऑल इंडिया लेदर बॉल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? यह हुआ गुना में। कहाँ पे? संजय स्टेडियम में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव कब मनाया जाएगा? तो 14 से 21 जनवरी तक मनाया जाएगा। और किस मंत्रालय के अंतर्गत मनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, अध्यात्म मंत्रालय के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा सिंगरौली में। किसके साथ मिलकर बनाया जाएगा? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के साथ मिलकर ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संभाग सुकन्या समृद्धि योजना में प्रथम स्थान पर रहा? तो इंदौर संभाग रहा सुकन्या समृद्धि योजना में प्रथम स्थान पर। इसमें कितने खाते खोले गए? 14 लाख खाते खोले गए। हिना कावरे कहाँ से उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं? तो हिना कावरे उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं लौंजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश की पहली किसान संसद कहाँ आयोजित होगी? इंदौर में होगी। कब होगी? 13 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विश्व भाषा दिवस की स्थापना पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय ढाका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उज्जैन में। नेक्स्ट है, कादम्बिनी एवं न्यू लक्ष्य पुस्तक का आयोजन कहाँ किया गया? 8 से 12 जनवरी 2019 को भोपाल में किया गया। कादम्बिनी एवं न्यू लक्ष्य पुरस्कार का आयोजन 8 से 12 जनवरी 2019 को भोपाल में किया गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश में पहली राज्य स्तरीय वायरोलॉजी लैब कहाँ के गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई, तो ये हुई भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ स्किल असेसमेंट का आयोजन कहाँ किया गया, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स का चयन किसे किया गया, अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह कॉम्प्लेक्स को। ये कहाँ पे है, चचाई अनूपपुर में। 3 लाख की इसकी लागत से। मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने पैरा एशियन गेम्स जकार्ता में हुए स्वर्ण पदक जीता, पूनम शर्मा ने जीता। इसके अलावा स्वाति शर्मा और कपिल शर्मा ने भी जूडो चैंपियन में, जूडो चैंपियन राष्ट्रीय जो हुआ था उसमें गोल्ड जीता है। पूनम शर्मा ने पैरा एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश में वास्तु सम्मेलन कहाँ होगा, तो मध्य प्रदेश में जो वास्तु ज्योतिष सम्मेलन होगा वो उज्जैन में होगा। उज्जैन में कहाँ होगा, फाजलपुरा में होगा, एक निजी होटल में होगा। तो फ्रेंड्स, ये 64th तक क्वेश्चन मैं आज अपनी वीडियो में करा दी हुई हूँ। कल मैं आगे का वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आगे के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपके पूरे जनवरी माह का करंट निपटता जाएगा। ये बहुत अच्छे से 1 लीनियर क्वेश्चन है, आपको आप लिखेंगे भी तो उनको बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।